नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, अनअकैडमी का शुरुआत से ही हमेशा से ही ये लक्ष्य रहा है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से प्रशिक्षण मिल पाए। और उसके साथ साथ हमारा हमेशा ये भी लक्ष्य रहा है कि आप लोगों को अच्छी क्वालिटी के नोट्स, अच्छी क्वालिटी के टेस्ट सीरीज एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध हो पाए, जिसके लिए हमारे पास अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी है और देश के काफी सारे भविष्य के आईएएस एस्पिरेंट्स उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई और अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न था कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो शायद अभी हमसे जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे मन में प्रश्न था कि क्या हम उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए एक ऐसे YouTube चैनल को तैयार कर सकते हैं जो अपने आप में अलग हो, जहां पे जितना भी कंटेंट पोस्ट होता है वो एक विचार के साथ, एक थॉट प्रोसेस के साथ पोस्ट हो रहा है, जहां पे आपकी यूपीएससी की तैयारी से जुड़े कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर से लेके करंट अफेयर्स की पूरी जरूरतें पूरी हो। उसी चैनल के इंटेंट के साथ, उसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम आप लोगों के लिए अनअकैडमी आईएएस अभ्यास करके एक नए YouTube चैनल को लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे आप लोगों को इसी तरीके से तैयारी कराई जाएगी और यह आप लोगों के लिए एक सिंगल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमारी आशा है सिद्ध होगा। चलिए जान लेते हैं कि आप लोगों को इस YouTube चैनल में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इस चैनल की एक सबसे बड़ी खासियत और सबसे पहली यूएसपी है कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट टॉक्स। आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी केवल विषयों को, सब्जेक्ट्स को ऊपर ऊपर से पढ़ लेने के बारे में नहीं होती है, बल्कि आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की जो इम्पोर्टेंट है उसकी समग्र जानकारी चाहिए होती है। भले वो हिस्ट्री का 1857 रिवोल्ट का टॉपिक हो, आपको केवल कारण और प्रभाव, उसके कॉजेस और इम्पैक्ट जान लेने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को उसकी हिस्टोरियोग्राफी और 1857 की क्रांति से जुड़ी कौन कौन सी अभी नई बातें किताबों में लिखी जा रही है। जैसे कि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि 1857 का रिवोल्ट एक मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी था, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि 1857 रिवोल्ट क्लास स्ट्रगल को दर्शाता है, वर्गीय संघर्ष को दर्शाता है। तो ये समग्र जानकारी आपको इन कॉन्सेप्ट टॉक्स में देखने को मिलेंगी। भले वो पॉलिटी का कोई टॉपिक हो या भले वो ज्योग्राफी का कोई टॉपिक हो, हम आप लोगों के लिए इस चैनल में प्रति सप्ताह एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट टॉक, मतलब विस्तृत लेक्चर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ला रहे होंगे। ये इस चैनल की सबसे बड़ी खासियत रहेगी, क्योंकि ये ना केवल आप लोगों को इस बात का आइडिया देगा कि इस टॉपिक को आप कैसे, एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप कैसे कवर करिए, बल्कि आप लोगों को ये भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के किस तरह से डायमेंशंस में ब्रेक करके उसका अध्ययन किया जाता है। इस चैनल का दूसरा और मैं कहूंगा वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूएसपीज में से एक यूएसपी है करंट अफेयर इन अ नटशेल, जिसको हम अनअकैडमी संक्षेप बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको करंट अफेयर से जुड़ी जानकारी 10 से 15 मिनट की वीडियो में दी जाएगी और एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे ही डायमेंशंस को कवर किया जाएगा। आप लोगों ने इस साल की यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा में भी देखा होगा कुछ ऐसे सब्जेक्ट के लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे, जो कि काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट भी थे। रामानुज से जुड़ा, भक्ति संत, फेमस भक्ति संत रामानुज से जुड़ा इस साल यूपीएससी के प्रीलिम्स की परीक्षा में एक क्वेश्चन रहा था। तो उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये था कि कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री के द्वारा जो रामानुज थे उनके रिलेटेड कुछ इनॉग्रेशन किया गया था और उसी को यूपीएससी ने प्रश्न बना के पूछा। तो हिस्ट्री से और पीछे और उसके पिछले साल 2021 के एग्जाम में आपने देखा होगा कि धोलावीरा, जहां पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उससे जुड़ा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। वो हिस्ट्री की एक न्यूज थी, धोलावीरा कुछ ही समय पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया और वहां से क्वेश्चन पूछा। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए
काफ़ी सारे करंट अफेयर्स की ऐसी घटनाएं रहती हैं जो पहले न्यूज़ बनती हैं और बाद में यूपीएससी का प्रश्न बनती हैं। जी हाँ, पहले जो न्यूज़ बनती हैं और बाद में यूपीएससी का प्रश्न बनती है। इसी तरह से पॉलिटी की भी कुछ ऐसी ही घटनाएं, कुछ ऐसी न्यूज़ रहती हैं जो यूपीएससी की प्रश्न बनती हैं। साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, कोई सब्जेक्ट लगभग यूपीएससी में करंट अफेयर्स से अछूता नहीं है। करंट अफेयर्स इन अ नटशेल, मतलब संक्षेप, हर एक सब्जेक्ट के एक विशेष फैकल्टी के द्वारा आप लोगों के लिए 10-15 मिनट्स की वीडियोस के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। हमारा यह ऑब्जेक्टिव है कि हम करंट अफेयर्स इन अ नटशेल से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा लेकिन महत्वपूर्ण वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पे पोस्ट करें जो प्रश्न बन सकते हैं। आप लोगों को यह भी पता होगा कि प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम्स में, काफी सारे इंडिया के ऐसे लिटरेरी सोर्सेस या साहित्यिक स्रोत हुआ करते थे जिनको शुरुआत में लिखा नहीं गया था, जिनको शुरुआत में याद करके श्रुति और स्मृति के द्वारा रिमेंबर किया गया था और बाद में उसको लिखा गया था। तो प्राचीन समय में लोग काफी सारे वेदों को सुन के जनरेशन से जनरेशन पास करके याद रखा करते थे और बाद में उसको लेखांकित करके स्टोर किया जा सका और आज वो हमारे पास उपलब्ध है। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अनअकैडमी श्रुति, मतलब अनअकैडमी ऑडियो आर्टिकल्स, इस चैनल की थर्ड यूएसपी है, जहां पे हम आप लोगों को कुछ विशेष और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर ऑडियो आर्टिकल्स के रूप में कुछ की कॉन्सेप्ट्स को कवर कराएंगे। वो टॉपिक इंडिया की सांप्रदायवाद की, भारत में कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम से जुड़ा हो सकता है, या वो टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग से जुड़ा हो सकता है, या ट्राइबल मूवमेंट्स का, जनजातीय आंदोलनों का, विद्रोहों का भारत में क्या इंपॉर्टेंस रहा उससे जुड़ा हो सकता है। जैसे प्राचीन समय में लोग बाग श्रुति स्मृति के माध्यम से चीजों को रिमेंबर करा करते थे, अनअकैडमी श्रुति ऑडियो आर्टिकल्स 10-15 मिनट का जो होगा वीकली बेसिस पे, जिसमें पूरी एक स्क्रिप्ट एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की जाएगी और उसके साथ साथ अपूर्वा राजपूत मैम के थ्रू आप लोगों को वो सुनने को मिलेगा, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जहां पे हम कोर कॉन्सेप्ट्स को ऑडियो आर्टिकल के रूप में कवर करेंगे। तो आइए अब इस चैनल की फोर्थ यूएसपी को जान लेते हैं, जो है रणनीति के बारे में। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि किसी भी चीज को या किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ साथ अगर उसको सही रणनीति के साथ अप्लाई यूपीएससी में किया जाएगा तो ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो जितना कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस को अटेंड करने के बारे में होता है, उतना ही राइट स्ट्रेटजी और राइट गाइडेंस के बारे में भी होता है। मुझे याद है कि जब भी मैं ऑफलाइन में पढ़ाया करता था तो कुछ ऐसी कॉमन रिपीटेड मिस्टेक्स हुआ करती थी जो लर्नर्स बार बार करा करते थे। उनमें से एक मिस्टेक्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। काफी बार यूपीएससी में हिस्ट्री की आंसर राइटिंग करते समय जब दो पर्सनैलिटीज के बीच में कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, या भले वो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर की विचारधारा के बीच के डिफरेंस का हो सवाल, या फिर भले वो महात्मा गांधी और भगत सिंह की वैचारिक या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में सवाल हो, तो काफी बार जब ये क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज में पूछते थे तो बच्चे ये गलती कर देते थे कि उनके बीच के डिफरेंसेस को तो हाईलाइट कर देते थे लेकिन कहीं ना कहीं कंक्लूजन में ये नहीं बता पाते थे कि भले इनके बीच में कितना भी वैचारिक मतभेद रहा हो लेकिन मातृभूमि के लिए इन्होंने जो सेवा दी उसमें हम इनके इंटेंट को कमतर नहीं आंक सकते और दोनों का ही योगदान रहा। तो एक तरफ जहां पे प्रश्न के एक भाग में आप दोनों के कंपैरिजन को दिखा रहे होते हो, वहीं प्रश्न के आखिरी भाग में कंक्लूजन में आप बता रहे होते हो कि भले इनके बीच में कितना भी वैचारिक मतभेद रहा हो लेकिन मातृभूमि की सेवा करने के अपने इंटेंट में इसमें इनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। तो इस प्रकार की कुछ ऐसी रिपीटेड मिस्टेक्स होती हैं प्रीलिम्स के लेवल पे, मेंस के लेवल पे, किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ते समय जो लर्नर रिपीट करता है। हमारे चैनल की ये फोर्थ यूएसपी है कि हम ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स जो हर एक लेवल पे, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चीज को पढ़ते समय बच्चा रिपीट करता है, भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के साथ साथ आप लोगों को टॉपर्स बताएंगे कि उन मिस्टेक्स को करने से आप कैसे बचें, और वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप लोगों को दिखाया जाएगा कि क्या मॉडल सही है और क्या गलती करने से हमें बचना चाहिए। यह इस चैनल का फोर्थ यूएसपी। तो देखा आपने किस तरीके से ये जो अनअकैडमी
आईएएस अभ्यास यूट्यूब चैनल है वो सिविल सर्विसेज के हर उस यूएसपी को आप लोगों के लिए ला रहा है जिससे आपकी तैयारी पहले से और कई ज़्यादा बेहतर होगी। आज ही सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को और अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी को एक नया आयाम दें। लेट्स क्रैक इट।